यही कहना है कि ये जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और टाउनशिप में जो वाटर अवेलेबल है उसको रिसाइकलिंग करें और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को सेग्रीगेट करने के लिए उसको बड़ा रूफटॉप लगेगा। तो रूफटॉप सोलर और विंड ये दोनों को कॉम्बिनेशन करके अगर सेग्रीगेशन होगा तो मेटल ग्लास एंड प्लास्टिक इसका रिसाइकलिंग होगा और ऑर्गेनिक वेस्ट से फिर मीथेन निकलेगा और मीथेन से बायो एलएनजी बायो सीएनजी भी बना पाएंगे और मीथेन से हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन भी बना पाएंगे। मित्रों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। दोस्तों सबसे पहले होलिका दहन की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। होली का त्योहार, रंगों का त्योहार आप सभी के जीवन में ढेर सारी शुभकामनाएं लेकर आए, ऐसी ईश्वर से मेरी प्रार्थना है। भारत ने पूरे विश्व की सबसे पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार बना ली है। टोयोटा मोटर्स का नाम तो आपने सुना ही होगा, टोयोटा की फॉर्च्यूनर सबसे पॉपुलर गाड़ी में से एक है। टोयोटा मोटर्स ने भारत की सबसे पहली और वर्ल्ड की सबसे पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार अब बना ली है और इसे एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कल के दिन नितिन गडकरी जी ने लॉन्च कर दिया है। दोस्तों हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार कैसे काम करता है, हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार में क्या क्या सिस्टम लगे रहते हैं, अगर आपको इसके बारे में जानकारी चाहिए तो ऊपर आई बटन पर एक लिंक आ रहा होगा, वहां से जाकर आप इसके पूरे वर्किंग को देख सकते हैं। अब आपको सबसे पहले हम नितिन गडकरी जी का वो लॉन्चिंग इवेंट दिखाते हैं जहां पे टोयोटा मोटर्स ने अपनी टोयोटा मिराई कार को लॉन्च किया है जो कि एक फुल्ली हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार है। अब यह भारत के लिए काफी गौरवान्वित करने वाला क्षण है क्योंकि यह वर्ल्ड की सबसे पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार होने वाली है। इसे अभी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लाया गया है लेकिन पायलट प्रोजेक्ट जब ये सफल हो जाएगा उसके बाद इसे पूरे मैन्युफैक्चरिंग के लिए बैंगलोर स्थित टोयोटा मोटर्स के प्लांट में इसे मैन्युफैक्चरिंग किया जाएगा। आपको बता दें कि एक बार अगर आप इसके फ्यूल टैंक को पूरा फुल कर दिए तो आप 650 किलोमीटर तक आसानी से सफर कर सकते हैं। ये काफी बड़ी चीज है और यह वर्ल्ड की सबसे पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार है। अब आप इस फाइल वीडियो को देखिए, यहां से आपको और भी चीजें समझ में आ जाएंगी। मुझे आपसे यही कहना है कि ये जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और टाउनशिप में जो वाटर अवेलेबल है उसको रिसाइकलिंग करें और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को सेग्रीगेट करने के लिए उसको बड़ा रूफटॉप लगेगा। तो रूफटॉप सोलर और विंड ये दोनों को कॉम्बिनेशन करके अगर सेग्रीगेशन होगा तो मेटल ग्लास एंड प्लास्टिक इसका रिसाइकलिंग होगा और ऑर्गेनिक वेस्ट से फिर मीथेन निकलेगा और मीथेन से बायो एलएनजी बायो सीएनजी भी बना पाएंगे और मीथेन से हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन भी बना पाएंगे। अगर हमने पावर कॉस्ट अगर कम की 70% वही है तो हमारा सपना है कि ये $1 per kilo आए तो ये आ सकता है और क्योंकि ये वेस्ट टू वेल्थ वाली बात है।